शुक्रान् त्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ताली सेवा करते हुए बाकी बिहारी लाल की ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जगते मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, श्याम राधे श्याम 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 सीताराम राम। ताली सेवा करते हुए सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की शरण शरण
दया के धाम। ओ अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप का नाम, मुझे भागवत महापुराण की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पते हर हर। सीताराम जय भगवान की अनंत कृपा से, अहेतु की कृपा से आज हम लोग हरिद्वार में आए। हरिद्वार में आए कि हर द्वार में आए? हरिनो द्वार छे अने हरनो द्वार छे, हाँ बनने ने द्वार छे। कुछ लोग इसको हरिद्वार कहते हैं और कुछ लोग इनको हर द्वार कहते हैं। यहां से ऊपर दोनों का द्वार है। सच्ची बात तो यह है, ये हरिहर द्वार है,
इसीलिए हरिद्वार भी कहो तो चलेगा और हरिद्वार कहो तो भी चलेगा। आज हम सब गंगा मैया के द्वार पर, ये गंगा आहा विष्णुपदी भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमल माथी प्रकट थी और त्रिभुवन को पावन कर रही गंगा। यहाँ गंगा मैया का असली स्वरूप तो हरिद्वार में ही दिखता है। यहाँ गंगा सात धाराओं में बहती है। आप भ्रमण करने जाना तो यहाँ सप्त सरोवर दिखाई देता है। एक यहाँ भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर के ऊपर में चढ़ने के बाद आप वहाँ से सातों धाराओं का दर्शन कर सकते हैं एक साथ। सप्तऋषि यहाँ समाधि में भजन कर रहे थे, गंगा मैया उतरी, अभी गंगोत्री, गंगा मैया जहाँ से उतरी, नाम पड़ा उसका गंगा उतरी, इसलिए गंगा गंगोत्री नाम पड़ा। तो गंगोत्री से चलकर गंगा मैया जब हरिद्वार आती है, देखा तो यहाँ तो ऋषि सब अलग अलग बैठ करके भजन कर रहे हैं। अब गंगा सोचने लगी कि मैं किधर से निकलूं, यदि एक तरफ से जाऊं तो दूसरे संतों के चरण स्पर्श करने का अवसर नहीं मिलेगा, शायद दूसरे संत नाराज ना हो जाएं। इधर से जाऊं या उधर से जाऊं या बीच से जाऊं या किधर से जाऊं, संशय में पड़ गई गंगा मैया। कुछ समझ में नहीं आई, आखिरकार सातों के बीचों बीच निकल गई गंगा मैया, इसलिए सप्त धारा यहां प्रवाहित होती है। गंगा मैया का इतना स्वरूप और कहीं नहीं है, छोटी छोटी धाराओं में सात धाराएं, और वो भी बिल्कुल घाटों से सट करके सीमित, ऐसा नहीं कि तोड़ती फोड़ती काशी की तरह बाढ़ में हजारों हजार गांवों को डुबोती हुई चले, ऐसा नहीं है। आज हम लोग ऐसी तन मन को पवित्र करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली गंगा मैया के तट पर, हरिहर के द्वार पर स्थित हो करके हरिहर की कथा रसायन का पान करने के लिए भागीरथी और भागवती उभय कारी गंगा के समक्ष यह हम लोग दोनों गंगा में स्नान करेंगे। एक तो भागीरथी गंगा में भी स्नान करेंगे, आश्रम के बाहर भागीरथी गंगा और आश्रम के भीतर भागीरथी भागवती गंगा, दोनों प्रकार के गंगा में स्नान करने का अवसर। और यह आश्रम का भी नाम बड़ा सुंदर है, हरिगिरि आश्रम। तो हरिगिरि आश्रम में, हरि के आश्रम में, और गिरि मतलब शिव और हरि मतलब विष्णु, देख लो, हरि हरिगिरि आश्रम में हरि की कथा, हरिहर की कथा सुनने का सुअवसर। बहुत ही आनंद का अवसर है और इस आयोजन में आगामी 7 दिवस तक हम लोग यहाँ आनंद करने वाले हैं। जो यहाँ पहुँच गए हैं आपको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं पहुँच पाए, अपने घर में ही श्रवण कर रहे हैं, आपको भी बधाई। यहाँ का आशीर्वाद, गंगा मैया का आशीर्वाद और श्रीमद् भागवत कथा का आशीर्वाद, कथारूपी गंगा का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो।
आप सब आपसी सद्भाव बनाकर रखना, आप सभी एक दूसरे की सेवा का निश्चय करना कि हम यहाँ आए हैं तो सेवा लेने के लिए नहीं, कुछ न कुछ दे करके जाएं आप तीर्थों में, क्योंकि तीर्थ ये मोक्षदायिनी है। मालूम है ये भगवान का द्वार है, इस द्वार पर, इस द्वार मतलब ड्योढ़ी चौखट पे आप आए हैं, है ना। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सतगुरुदेव भगवान की चुगली न मुझको सुहाए, निंदा चुगली न मुझको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत भी रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, मुझको सत्संग में, मुझको सत्संग में, मुझको सत्संग में हर दम आनंद है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मुझको सत्संग में लाना तेरा काम है, मुझको सत्संग मिलाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ताली सेवा करते हुए सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके
सच्चे प्रभु का सहारा, मिलेंगे सच्चे प्रभु का सहारा। मैं तो तेरी रजा में, मैं तो तेरी रजा में रजामंद हूँ, मैं तो तेरी रजा में रजामंद हूँ। बिगड़ी बनाया तेरा तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आपको बता दें गंगा मैया की कितनी महिमा है, क्योंकि आज हम लोग इनके द्वार पर आए हैं। दिल्ली के एक सेठ, दिल्ली का रहने वाला एक सेठ था, उसके मन में आया कि मैं गंगा स्नान कराऊं। जेठ का महीना चल रहा है ना, अभी यही जेठ का महीना था। सेठ जी ने पूरे परिवार को तैयार कर लिया कि हम सब गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाएंगे, और पूरा परिवार ले लिए साथ में, बावर्ची, बावर्ची मतलब रसोई बनाने वाला भी साथ में रख लिया, खाने पीने का सामान ढोने वाला एक व्यक्ति रख लिया जो सबका सामान लेकर चलता। उस समय साधन नहीं थे, कई दिन तक यात्रा करते करते वो व्यक्ति हरिद्वार के निकट पहुंचा। अभी हरिद्वार कुछ बाकी था, शाम हो गई, उसने सोचा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं, चूँकि थके हुए हैं और रात में अंधेरे में कहीं जाना ठीक नहीं। एक वृक्ष के नीचे सेठ ने अपना आसन जमाया, सेवकों ने सब व्यवस्थित बना दिया सबके रहने का। जो भोजन बनाने वाला था एक ब्राह्मण, भोजन बना दिया उसने और सबको कहा कि आप लोग पाइए, और वो घूमने के लिए थोड़ा चला गया। और वह व्यक्ति घूमते घूमते एक वृक्षों के झाड़ियों में चला गया, यहाँ झाड़ी है बहुत, वहां क्या देखा कि कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे थे, नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा कि जंगल में मंगल कैसे हो रहा, चलकर देखना चाहिए। वह व्यक्ति देखने के लिए वहां गया और काफी देर वहां बैठने के बाद इसने पूछा, भाई उत्सव काहे का हो रहा है, सामाटे उत्सव थयो छे बोला। तो वो आया यहां पर, उसने कहा तुमको पता नहीं कल हमारी बेटी का विवाह है। अरे आप लोग हैं कौन, यहां जंगल में रहते हैं? बोले सुनोगे तो डर जाओगे। क्यों? नहीं डरेंगे, हम भगवान के सच्चे भक्त हैं। तो सुनो, हम लोग भूत प्रेत हैं, हम लोग प्रेत योनि में हैं। तो ये उत्सव प्रेत योनि में कैसा? बोले हम लोगों की बड़ी लंबी आयु होती है और हम लोगों में भी विवाह होता है, कल हमारी बिटिया की सगाई और विवाह है। अच्छा, कहाँ विवाह कहाँ हुआ है, दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा दिल्ली से आ रहा है। उसने सुना तो उसका तो रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या भाई? बोले मुझे समझ में नहीं आया, समझाओ। बोले वो जो सेठ जी है ना, सेठ का बड़ा लड़का है जो आया है तुम्हारे साथ में, कल सवेरे उसके मृत्यु है, वह मरेगा और प्रेत बनेगा, और कल रात में हमारी बिटिया के साथ उसका विवाह हो जाएगा। उसने सोचा ये तो बड़ा अद्भुत बात है तुमने कह दिया। हाँ,
पक्का हो जाएगा? बोले हाँ पक्का। तो मैं देखने के लिए कल आऊंगा। बोले आना। अच्छा तो मैं चलता हूं। वो जो रसोईया था वो चला आया। रात में तो कुछ नहीं बताया, सोया। सुबह बहुत जल्दी करीब 3:30 बजे में ही कहा, सेठ जी चलिए यहां से। उसने सोचा कि प्रभात होते होते हम गंगा स्नान कर लेंगे तो शायद जो होना होगा देखा जाएगा, कम से कम गंगा स्नान तो हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में ही वहां से 3:30 बजे 2:45 बजे निकाल लिया और सबको लेके आ गए हर की पैड़ी के पास। यहाँ हर की पैड़ी पास में है, लेकिन अभी पहुंचे नहीं थे। वो जो रेती का, इस पार में रेती है, तो रेती पर ही दूर से एक सांड जो होता है ना, सांड, वो बालू में खूब ऐसा वैसा सिंह मार रहा था। अचानक वह सांड जो था, जो बुल था, वहां से दौड़ा और दौड़ता हुआ आया और आकर के सीधा उस सेठ जी का जो बड़ा लड़का था उसके पेट में सिंह घुसा दिया, सिंह मार दिया और उठाकर पटका, वहीं पर उसके प्राण निकल गए। गंगा स्नान नहीं हो पाया किसी का। अब तो अनर्थ हो गया, पूरा परिवार सदमे में आ गया। ये क्या, हम तो गंगा स्नान करने के लिए आए थे, अब तो कुछ भी नहीं हुआ। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, 2 मिनट के अंदर प्राण त्याग दिया। वह व्यक्ति जानता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उसने अभी तक नहीं बताई वो रहस्य, छुपा कर रखा। हरिद्वार में ही बेटे का संस्कार कर दिया, यहीं पर संस्कार करके सबने गंगा स्नान किया, पूरा परिवार शोकाकुल, रोते बिलखते यहां से वापस प्रस्थान कर दिए। आया था किस लिए, आज क्या हो गया? इनके दुखों का कोई पारावार नहीं रहा, मानो अपने सर्वस्व खो दिया सेठ ने, अपना उत्तराधिकारी पुत्र, पुत्र वधू, पोता पोती सबको लेकर आया था। सारा परिवार मानो अनाथ होकर के रोता रोता लौटा। एक दिन पहले जहां रुका था सेठ, वहीं पर जब पहुंचा तो उस रसोइये ने कहा, जो भंडारी था भोजन बनाने वाला, उसने कहा कि सेठ जी आज यहीं रुको। बोले नहीं, अभी तो दिन है, जा सकते बहुत दूर। बोले मैं हाथ जोड़ता हूं, आज यहीं रुको, कुछ बताऊंगा आपको। वहीं रुक गए सब, सबके लिए प्रबंध कर दिया। और जब शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो वह अकेला वह व्यक्ति जाता है। उसी झाड़ी में जब पहुंचा जहां एक दिन पहले गाजे बाजे बज रहे थे, लोग गीत गा रहे थे, वह नाच रहे थे, आज वहां भी सन्नाटा। बड़ा आश्चर्य, आज तो यहां विवाह होने वाला था, आज यहां सन्नाटा कैसा भाई? इतना सन्नाटा, सब रो रहे हैं, सब दुखी होने। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसने एक आदमी को बुलाया, पूछा भाई सब रो क्यों रहे, दुखी क्यों हो रहे? अभी तो यहां आज विवाह होने वाला था, क्या हुआ, कहां गए वो, उसको बुलाइए जिसकी बेटी का विवाह था। बोले अब वो नहीं आएगा बाहर। क्यों? अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कहा कि जो दूल्हा था, दूल्हा ही मर गया। इसने कहा भाई दूल्हा मरा है,
तभी तो प्रेत बना होगा। बोले प्रेत बनता तो यहां विवाह होता, हो गया उल्टा। जिस सांड ने उसको मारा था, उस सांड के माथे में, सिंह में गंगा की मिट्टी लगी थी, और उस मिट्टी से सांड ने व्यक्ति को मारा था, तो व्यक्ति मरा तो प्रेत नहीं बना, स्वर्ग चला गया सीधा। वो तो स्वर्ग चला गया, हाय मेरी बिटिया का अब क्या होगा। तो क्या अब विवाह नहीं होगा? ना, अब कैसे होगा, अब तो स्वर्ग चला गया। उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए, दौड़ करके सेठ जी को बुलाया। सेठ जी से कहा कि देखिए, सुनिए इसकी भाषा। जब पूरी कहानी सेठ ने सुनी तो गदगद हो गए। हे गंगा मैया, आप कितनी कृपालु हैं, आज मेरा बेटा प्रेत बनता, ये सब प्रेत लोग खुशी मनाने वाले थे, आज मेरा बेटा स्वर्ग चला गया, कितनी महिमा है गंगा की। नाम लिए कितने तर गए, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, तीर गए तो तरे तो कहा, कितने तर जात तरंग निहारे। गंगा मैया का दर्शन करके भी पवित्र हो जाते हैं, तरंग कलकल निनाद ने, गंगा की तरंग को देखकर भी आदमी भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। गंगा मैया की पवित्र हवाएं दे हृदय को, झकझोर दे हृदय को, सभी पापों से मुक्त कर दे। तीर गए तो तरे तो कहा, कितने तर जात तरंग निहार। तरंगिन तेरो स्वभाव यही, कही के सब के तो ओर पे पनधार। केशव कवि कहते हैं, भागीरथी हम दोष भरे, हम तो दोषों से भरे हुए माँ, पर भरोसे यही तू परोस निहारे। भागीरथी हम दोष भरे, पे भरोस यही तू परोस निहारे। ये तो स्वर्ग का सुख परोसती फिरती है गंगा मैया। काशी में दशाश्वमेध घाट पर आरती होती गंगा जी की, वहां एक दिन यमराज महोदय पधारे, धर्मराज हाथ में गदा लिए खड़े रहे। आरती पूरी थई गई, सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। गंगा मैया ने देखा कि आज यमराज भैया आए, पूछा, भैया, गंगा मैया प्रकट होकर कहने लगी, भाई साहब आप यहां कैसे, क्या कोई बात है? बोले बात है। क्या बात है? आप थोड़े नाराज से लग रहे हैं। बोले हां मैं नाराज हूं। क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत सबको मानना पड़ता है गंगा, लेकिन तू इस सिद्धांत का लंघन करती है। क्या हुआ? अरे तुम बिल्कुल विचार नहीं करती हो, पापी है, सुरापी है, बेविचारी है, अदाचारी है, कदाचारी है, लेकिन तुम तो बस मुख में गंगा जल का एक बूंद, एक तुलसी दल रखा नहीं कि उसको सीधे स्वर्ग पहुंचा रहती हो।
हमारे सनातन हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि जब कोई अंतिम समय में शरीर छोड़ता है उसके मुख में गंगा जल और तुलसी रो दल स्थापित, गंगा जल और तुलसी दल स्थापित करते हैं मुख में। यमराज कहते हैं कि तारन की तोहे बान पड़ी तू अभी न अघी को विचारती है, तुम पापी और पापी सुरापी पे करके कृपा अमरेश के धाम पठावती है। इतना होता तो चलता लेकिन विष्णु महेश के दूतन से मम दूतन को पिटवावती है। एक नंगे के शीश पे बैठ के गंगा तो नाहक दंगा मचावती है। एक नंगा कौन? भगवान भोलेनाथ। उसके माथे पे बैठ करके एक नंगे के शीश पे बैठ के गंगा तो नाहक दंगा मचाती है। धन्य है गंगा मैया। और हरिद्वार में तो कहना ही क्या है। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, कहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, कहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, गंगा मैया के उनके जो तुम्हारे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो किनारे तुम्हारे, बड़े भाग्य उनके जो तुम्हारे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो किनारे तुम्हारे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, 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 कहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, कहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, बड़े भाग्य उनके जो तुम्हारे किनारे
बसाए गए हैं शहर। हम लोग काफी दिन से विचार कर रहे थे कि हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर के पवित्र क्षेत्र में जो यज्ञ के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, यहां की बड़ी सुंदर ऊर्जा है। विचार करके प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति ने यहीं पर यज्ञ किया था। दुर्भाग्य से वह यज्ञ तामसी हो गया था, क्योंकि जो व्यक्ति परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसम उदारहितम गीता में 17वें अध्याय में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई भी आप सत्कर्म करिए, भक्ति भी करिए, तो वह भक्ति तामसी भक्ति हो जाती है। भगवान शिव से विरोध करके दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, लेकिन वह यज्ञ हो गया उल्टा, तामसी हो गया। हरिद्वार ऐसे पावन पवित्र भूमि में आकर भी ऋषियों, गर्ग आदि ऋषियों के सानिध्य में, भृगु ऋषि के सानिध्य में यज्ञ करने के पश्चात भी वह यज्ञ तामस फल देता है। यदि आपका भाव किसी को नीचा दिखाने का, मेरे पास भी एक बार एक फोन आए थे बीकानेर से, नाम नहीं बताना चाहिए, खाली शहर बताया, गुरुदेव मुझे भागवत कथा करानी है। कब? बोले 20 तारीख से। मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों, थोड़ा आगे लो। मेरे पास टाइम था, हालांकि एक साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं। तो उसने कहा कि दरअसल में 24 तारीख से एक दूसरे व्यक्ति की कथा शुरू हो रही है, मैं चाहता हूं कि उससे पहले अपना कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो पूरी पब्लिक हमारी तरफ आ जाएगी, उसका फीका फीका हो जाएगा। हमने कहा देखो कर तो रहे हो बड़ा अच्छा काम, लेकिन ये भाव तुम्हारा सही नहीं है, मैं इसके लिए समय नहीं दे सकता, क्षमा करना तुम। अपना उद्देश्य अलग है, अपना उद्देश्य तो श्रीमद् भागवत कथा तो एक बहाना है, मुझे तो हर घर में हर मन में हरि नाम जगाना है, ये तो बहाना है साहब। ये नहीं होगा तो आप हमारी बात सुनेंगे नहीं, आप सुनते हैं, श्रीमद् भागवत की कृपा है, वरना आजकल साहब सुनता कौन है, यहां तो सब सुनाने में लगा रहता है, छोटा छोटा बच्चा भी सिखाता ही रहता है उल्टा। आजकल तो बच्चे भी ज्ञान देने रहे, किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है, आज के वर्तमान के समय में किसी को ज्ञान की जरूरत है क्या? सब कोई ज्ञानी है साहब, किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ये तो कृपा है भागवत भगवान की जो आप हमें सुनते हैं। भगवान कुछ रखता नहीं है किसी का उधार। हाँ, तुरंत फल देता है। अच्छा, वक्ता भगवान की कथा करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? नाम किसका होता है? मुरारी बापू की कथा हो रही है, रमेश भाई की कथा हो रही है, जिग्नेश दादा की कथा हो रही है, कथा किसकी हो रही है? कथा हो रही है भगवान की, नाम किसका हो रहा है?
भगवान कहते यदि तुम मेरा नाम करते हो तो मैं पहले तुम्हारा ही नाम करवाऊंगा। लो कर लो बात। इसको कहते यश प्रदान करने वाला, करिए सब कुछ खुद, श्रेय दूसरे को देना, यश दूसरों को देना। दूसरों को देने से क्या होगा, तुरंत आपको मिलेगा। भगवान को जयकारे की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जयकारा लगाते हैं, तालियां बजाते हैं भगवान के लिए, क्या उनको जयकारे की आवश्यकता है? उनकी जय कहने से क्या उनको विजय मिलेगी? विजय की आवश्यकता किसको है? हम लोगों को। हम जब उनकी जय कहते हैं तो भगवान हमारी विजय कराते हैं। इसलिए भागवत भगवान की, ऐसे बोलोगे, ऐसे जय होता भगवान की? इतना धीरे बोलेंगे। अभी क्या कहा था, जिस शहर से आप आए उस शहर तक आवाज पहुंच जाए, इसलिए इतने जोर से जयकारा लगाना। बोलो भागवत भगवान की। देखो कितना अंतर आया, आया कि नहीं? श्रीमद् भाग यहां भी देखो, यहां भी यही हो रहा है। आप सब मिलकर कितने तन्मय से, तन मन से लगे हुए हैं। ये कैलाश बहन शांति से बैठ के कथा सुन रही है, बहुत विचलित हो रही थी। आप सब ने कहा कि तुम्हें तो शांति से सामड़ो, बधाई थे जैसे। कथाओं का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी होता है वर्तमान समय में, सबसे बड़ा दानी। कितना पुनीत कार्य है। वाह, मधुराम बापा जी आए, आपका अभिनंदन, अभी मैं दर्शन किया। वाह, तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये सब संयोग बड़े पुण्य से, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब तक पूर्व जन्मों के पुण्य उदित नहीं होंगे, फलोन्मुखी नहीं होंगे, तब तक ये अवसर नहीं मिलेगा। 100 काम सिर पर आ जाएगा। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, है ना? तो जिंदगी भर काम कभी पूरी नहीं होती, जिंदगी पूरी हो जाती। एक सज्जन एक महात्मा के पास आया, बोला महाराज मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मिला दोगे? बोले हाँ हाँ मिला देंगे। आपके पास भगवान है? बोले हाँ। कहाँ है, किधर है? सामने ये मंदिर है, जाओ दरवाजा खोलो, मिल लो भगवान से। उसने कहा अच्छा, ये सामने भगवान है, यही भगवान है? हाँ। तो वो व्यक्ति जाता है, दरवाजे तक पहुंचता है, महात्मा ने इशारा किया दरवाजा खोलो, अंदर भगवान है। तो उसने कहा कि गुरुजी एक बात कहनी थी। क्या? बोले भगवान का मिलना यदि इतना आसान है तो फिर मैं जरा कुछ काम पूरा करके आ जाऊं, फिर भगवान से मिल लेंगे। कुछ काम बाकी रह गए, उसको निपटा करके आ जाता हूं, फिर दर्शन कर लेंगे। कहा ठीक है। वो गया,
काम निपटाते निपटाते पूरा करते 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 उसका समय पूरा हो गया, लेकिन भगवान के द्वार तक नहीं आ पाया। आदमी काम पूरा करते करते पूरा हो जाता है, काम पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है, कभी लगता है आपको बुझे कि काम अगनी तुलसी कहा विषय भोग बहु घूते। ये तो जैसे अग्नि में घी की आहुति देते जाइए देते जाइए, क्या अग्नि बुझने वाली है कभी? जैसे घी की आहुति देने पर अग्नि नहीं बुझती और बढ़ती रहती है, वैसे ही काम है, इच्छा है। जो दस बीस पचास भये सत होए हजार तो लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल अहु राज करे तृष्णा अति की अति ही आग लगेगी। और तब बोले सुंदर एक संतोष विनाशठ तेरी तो आग कभी ना बुझेगी, तेरी तो आग कभी ना। ये तो बढ़ते जाना है, ये आग है। और राम भजन बिनु मिटहे के कामारा, 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 राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। दो है बिनु संतोष न काम न साहे, बिनु संतोष न काम न साहे, अछत सुख सपन हो नाहि, काम अछत सुख सपन हो नाहि, काम अछत सुख सपन हो नाहि। दो उपाय है, एक संतोष है एक भजन है, दोनों ही जरूरी है। कामनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए दो साधन याद रखना, एक है संतोष दूसरा है भजन। खाली संतोष करेंगे तब भी नहीं चलेगा, खाली भजन करेंगे और संतोष नहीं करेंगे तब भी नहीं चलेगा, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। भजन के साथ साथ मन में संतोष का भाव होना चाहिए, तभी कामनाओं का नाश होगा, कामनाओं पर विजय मिलेगी। कामना, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन ऐसे रोग हैं साहब, ये रोग कभी मिटते नहीं। सच्ची बात तो ये है, उसका कारण है कि दोनों पर्याप्त नहीं होता है, साधन संतोष और भजन, और किसी प्रकार से मिटने वाले हैं। तो संतों ने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं मिट रहा है तो इसके मिटने की एक इसको दबाने का एक सुंदर उपाय है, दबाने के लिए दवा खाओ। क्या जो रोग नहीं मिट सकता है तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसको दबाने के लिए दवा लेते हैं कि नहीं? उसी तरह से इन रोगों को दबाने के लिए दवा ले लो। कौन सी दवा साहब? जैसे आपको
डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, तो क्या ये कभी मिटते हैं, कभी समाप्त तो होता है? एक बार ब्लड प्रेशर उखड़ गया, एक बार डायबिटीज हो जाए तो अब उसमें खतरा है, लो हो जाए तब भी खतरा, अधिक हो जाए तब भी खतरा है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मिटने वाली बात नहीं, ये समस्या जाएगी नहीं, तो बस एक गोली रोज खाया करो और थोड़ा परहेज करा करो, जिंदगी भर जी सकते हो आराम से, ये तो कहते हैं। ठीक उसी तरह से जिसको यह रोग लगा है, काम क्रोध और लोभ, यही तो मार्ग है, यही भव रोग है। नाथ नरक कर पंथ ले जाएगा, ये ले जाएगा, ये रोग ऐसा है नरक में ले जाएगा। इस रोग को मिटाने का और कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसको दबाने के लिए एकमात्र दवा है कि रोज सत्संग की दवा खाओ, गोली खाओ और कुसंग से परहेज करते रहो, तो जिंदगी भर आराम से जी सकते हो। कुसंग का त्याग जरूरी है और सत्संग की गोली भी जरूरी है। सत्संग की दवा खाओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत भगवान की शरण में हम लोग हैं। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह भगवान से बढ़कर है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जा रहे थे, क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, इस भूमि को पृथ्वी को छोड़कर स्वधाम में जा रहे थे, उस समय में उद्धव ने पूछा था कि प्रभु आप जा रहे हैं संसार को छोड़कर, लेकिन जीव किसकी शरण में जाए, आपके बिना आपके भक्त किसकी शरण में जाएंगे, आपके भक्त, आपके आश्रित रहने वाला, सदा आपके शरण में रहने वाला यह धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान ने कहा था, स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधा। भगवान के पास जो अपना स्वरूप का तेज था, जो शक्ति थी, सारी शक्ति को श्रीमद् भागवत में अर्पित कर दी। अब ये भगवान की शक्ति से संपन्न हो जाने के कारण यह श्रीमद् भागवत श्रीमंत हो गया। श्री मतलब शक्ति, शक्ति मिल जाने से यह भागवत अब भगवान से भी जल्दी कल्याण करता है और सबके लिए उपलब्ध हो गया, सबको सुगमता से प्राप्त हो गया। देखने में यह भागवत तो एक अक्षर अक्षर लगता है, लेकिन यह अक्षर नहीं, अक्षर ब्रह्म है। कोई इसको पढ़ता है, कोई सुनता है, कोई केवल बिना अर्थ समझे भी यदि केवल उच्चारण करता है, तो भी अक्षर ब्रह्म उसका कल्याण करते। अपने घरों में भागवत रखना चाहिए, अपने बाल गोपाल से कहना चाहिए कि तुम भागवत का वाचन करो, पढ़ो। सायंकाल सोने से पहले भागवत जी का एक अध्याय का पाठ जरूर करो। बच्चों में संस्कार जागृत होगा, क्योंकि ये भागवत किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, यह तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद।
सत्य उसको कहते हैं जो तीनों कालों में रहता है। चित उसको कहते हैं जो दिखाई देता है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और आनंद उसको कहते हैं, आनंद के लिए तो आप जानते ही होंगे, आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। आदमी 24 घंटा स्ट्रेस में नहीं रह सकता, दुखी नहीं रह सकता, गुस्से में नहीं रह सकता। रह सकता है कोई 24 घंटा? कोई गुस्सा नहीं कर सकता, 24 घंटा कोई रो नहीं सकता, 24 घंटे कोई निंदा नहीं कर सकता, चुगली नहीं कर सकता, लेकिन 24 घंटा कोई आनंद में रह सकता है, क्योंकि आनंद उसका स्वरूप है। रह सकता है कि नहीं रह सकता? क्योंकि आनंद तो पोतानो स्वरूप है। अपने स्वरूप में रहने में आनंद आता है सबको। भगवान ओ तरिया आमो अखंड भुवन थी, ओ तरिया आमो अखंड भुवन थी, ओ तरिया का वृक्ष है, रसाल का वृक्ष है, अखंड भुवन माति प्रकट थे। श्रीमन नारायण ने, प्रभु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का के रूप में, बीज रूप में ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी ने अपने सुपुत्र नारद जी को, और नारद जी ने भगवान वादरायण वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने इसको 18,000 श्लोकों में विस्तारित करके समाज के सामने प्रस्तुत किया। और सुखदेव भगवान ने परीक्षित के कल्याण के लिए जगत के नाम कर दिया। कलयुग में सनकादियों ने नारद जी को यजमान बनाकर हरिद्वार के प्रांगण में ही, यहीं पर हरिद्वार में ही कथा सुनाई थी, ना भक्ति को लक्ष्य करके।